हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कशिश किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डोमिनोज पिज़्ज़ा। जो आजकल डोमिनोज बंद है तो हम जा नहीं सकते बाहर खाने, तो आज मैंने घर में ही बनाया है पिज़्ज़ा। चलिए हम बनाते हैं इसे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने लिया है गर्म पानी। इसमें मैं मिला दूँगी पाउडर शुगर और 2 चम्मच ईस्ट। इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से और थोड़ी देर के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए ढक के। मैंने लिया है 2 कप मैदा, नमक और ऑयल डालूंगी मैं इसमें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका पानी डाल के थोड़ा थोड़ा हम इसे आटे की तरह गूंद लेंगे। हमें इसे नरम गूंदना है, कड़क नहीं गूंदना है, बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना चाहिए आटा। थोड़ा सा ऑयल लगा के हम अच्छे से गूंद लेंगे इसको। अच्छे से मथना है इसको। अब इसको थोड़ी देर हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये मैंने प्री हीट कर लिया है। इसमें मैंने नमक डाल लिया है जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ बहुत बार, और ये जाली टाइप प्लेट रख दूँगी मैं इस पर। आपके पास इस तरह की हो तो इस तरह की भी रख सकते हैं आप। अभी हमारा आटा तैयार हो चुका है, इसे फिर से मथ लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से कर मत लें। अब इसके बड़े बड़े पेड़े बना लें, एक बड़ा सा पेड़ा बनाएं। अब हम आटा डस्ट करके इसको हम बेल लेंगे मोटा। हमें पतला नहीं बेलना है, मोटा सा बेलना है। हल्के हाथों से बेलेंगे। अब एक प्लेट में मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसको मैं हल्का सा दबाती हुई जाऊंगी कॉर्नर से। ये हमारा बेस रेडी है। इसे फॉक से हम छेद कर लेंगे। अब इस पे लगा दूंगी पिज़्ज़ा सॉस। इसके बाद डालना है मुझे चीज़। ग्रेट किया हुआ चीज़ है ये, ग्रेट कर लेंगे आप मोज़रेला चीज़। इसके बाद हम वेजिटेबल्स लगा देंगे। आप जो वेजिटेबल यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ओनियन, कैप्सिकम, टमाटो का यूज़ किया है। आप ज़रूर बनाइए इसे, और बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा बनता है, बिल्कुल डोमिनोज पिज़्ज़ा। आजकल हमें घर का ही खाना चाहिए फ्रेश, तो हम घर में ही बनाएंगे सब। मैं थोड़ा सा चीज़ और ऊपर से डाल देती हूँ। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, आप बाद में भी डाल सकते हैं, और थोड़ा ऑरेगानो। अब इसे हम कढ़ाई में रख देंगे सेकने के लिए और ढक देंगे इसको। बीस से 25 मिनट में ये बन जाएगा आपका। ये रेडी हो चुका है, देखिए कितना अच्छा बना है। आप इसे घर में ज़रूर बनाइए, बच्चे खुश हो जाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।